चुड़ैल की भूतिया बकरी। रामपुर नाम के एक जंगल में एक चुड़ैल अपनी भूतिया बकरी के साथ रहा करती थी। ऐसे ही एक दिन चुड़ैल अपनी भूतिया बकरी से बात कर रही होती है और उसे बोल रही होती है, अरे मेरी फूलमती, तुझे आज बड़ी भूख लगी है। हाँ चुड़ैलों की रानी, और मैं रोज एक एक शिकार करके थक गई हूँ, ऊपर से आज एक भी शिकार नहीं मिला। अरे मेरी फूलमती, तू चिंता मत कर, आज मेरे दिमाग में एक बहुत अच्छा आइडिया आया है जिसे सुनकर तू खुशी से पागल होने लगेगी और हमारे पास शिकार ही शिकार होगा, रोज हम भर पेट खाना खा सकेंगे। अच्छा सच में? अगर ऐसा है तो मुझे भी बताओ, आखिर कौन सा आइडिया चल रहा है हमारी चुड़ैल रानी के दिमाग में? मैं सोच रही हूँ, मैं एक गरीब दुखियारी औरत बनकर तुम्हें अपने साथ गांव में ले जाऊँ और तुम्हें किसी के हाथों बेच दूँ, और जिस घर में तुम रहोगी वहाँ देखेंगे हम कितने लोग हैं, अगर ज्यादा इंसान हुए तो हम एक एक करके उन्हें मार कर खा जाएंगे, और कम हुए तो हम एक ही बार में उन्हें मार कर खा जाएंगे, और फिर अगले दिन ऐसा ही करेंगे और गांव में अगले शिकार को ढूंढेंगे। इस तरह से हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और शिकार खुद हमारे पास चलकर आ जाएगा। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, क्यों ना फिर इस काम को हम अभी से ही करना शुरू कर दे। वैसे भी मुझे बहुत भूख लगी है, रात भी होने वाली है। अब चुड़ैल एक गरीब दुखियारन औरत के रूप में बदल जाती है और अपनी भूतिया बकरी को रामपुर नाम के एक छोटे से गांव में ले जाती है और एक आदमी से बोलती है, साहब मुझसे ये बकरी खरीद लो, आप मुझसे मेरी बकरी ले लोगे तो उनसे मिले पैसों से मैं अपने बच्चों का पेट भर पाऊंगी। साहब प्लीज मना मत करना, मेरी बकरी बहुत दूध देती है और आपको तो पता है बकरी का दूध कितना महंगा है, और मैंने सुना है कि अभी डेंगू भी चल रहा है, ऐसे में तो बकरी का दूध और भी ज्यादा फायदेमंद होगा। साहब देखो मना मत करना, प्लीज मुझसे मेरी बकरी ले लो ना। अरे मुझे वैसे बकरी तो लेनी नहीं थी, पर तुमने अपनी इस बकरी की इतनी सारी गुणवत्ता बता दी है कि अब मैं सोच रहा हूँ कि तुमसे तुम्हारी इस बकरी को खरीद ही लूँ, इसमें मेरा तो नुकसान होना ही नहीं है, उल्टा मेरा और फायदा ही हो जाएगा। चलो मैं तुमसे तुम्हारी ये बकरी ले लेता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया साहब, जो आपने मुझसे मेरी बकरी लेने की सोची। फूलमती अब तुम्हारे मालिक हैं ये, तुम्हें इनका अच्छे से ख्याल रखना है और इन्हें ढेर सारा दूध देना है। अच्छा फूलमती अब मैं चलती हूँ, ठीक है। चुड़ैल अपनी भूतिया बकरी उस आदमी को बेचकर चली जाती है। वो आदमी उस भूतिया बकरी को अपने घर ले जाता है, जहाँ उसकी बीवी बकरी को देख अपने पति से बोलती है, अरे ये किसकी बकरी उठाकर ले आए हो? उठाकर नहीं लाया हूँ, खरीद कर लाया हूँ, अब ये बकरी हमारी है। क्या? अरे मैं तुमसे पूछती हूँ, तुम्हें बकरी खरीदने की ऐसी कौन सी जरूरत आन पड़ी थी जो तुमने ये बेमतलब की बकरी ले ली? अरे भाग्यवान, ये बकरी बड़े काम की है, ये बकरी दूध देती है और तुम्हें तो पता है कि बकरी का दूध कितना महंगा बिकता है। आरी बकरी का दूध गाय भैंस के दूध से भी ज्यादा महंगा बिकता है। सोचो अगर हम इस बकरी का रोज दूध निकाल कर बेचेंगे तो हमें कितना फायदा होगा और इस बकरी से कितना पैसा कमा पाएंगे। बात तो सही कह रहे हो। अच्छा ये सब छोड़ो, आप पहले खाना खा लो, जब तक मैं इस बकरी का दूध निकाल लेती हूँ और कल सुबह जाकर ही इस दूध को बेच दूंगी। इतना बोलकर उस आदमी की बीवी अपने पति को खाना देकर बकरी का दूध निकालने के लिए चली जाती है। जैसे ही वो बकरी का दूध निकालती है, वो देखती है कि बकरी के दूध की जगह पूरी बाल्टी खून से भरी हुई है। ये देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है और अपने पति को आवाज देती है, अजय सुनते हो, जल्दी से बाहर आओ, ये बकरी दूध के बदले खून दे रही है। ये कैसी बकरी उठा कर लाए हो जी? अरे भाग्यवान, ये तुम कैसी बात कर रही हो, एक बकरी खून कैसे दे सकती है दूध की जगह? वो तो जब तुम अपनी आँखों से देखोगे तब तुम्हें खुद पता चल जाएगा। हाँ हाँ आ रहा हूँ। अपनी बीवी की आवाज़ सुनकर जैसे ही आदमी दूध के लिए बकरी के पास जाता है, वो भूतिया बकरी उस आदमी को जोर से लात मारती है और तभी वहाँ चुड़ैल आ जाती है। चुड़ैल के वहाँ आते ही दोनों पति पत्नी डर जाते हैं और बोलते हैं,
चुड़ैल। चुड़ैल? मैं चुड़ैल हूँ और ये मेरी भूतिया बकरी। हम यहाँ तुम दोनों का शिकार करने आए हैं। आज हमें बहुत मजा आने वाला है। हम सुबह से भूखे हैं। आज हम पेट भर के खाना खाएंगे। क्यों फूलमती? हाँ चुड़ैलों की रानी। अब भूतिया बकरी और चुड़ैल दोनों मिलकर उन पति पत्नियों को मारकर खा जाते हैं। परंतु ये सब कुछ भोला नाम का एक व्यक्ति छुपके से देख लेता है और गांव में जाकर इस दुर्घटना के बारे में सभी को बताता है। जिसके बाद हरिया नाम का व्यक्ति भोला से बोलता है, भोला अगर तुम सच बोल रहे हो तो वो चुड़ैल कल सुबह भी अपनी बकरी को किसी और के हाथों में बेचेगी, और जब वो चुड़ैल अपनी भूतिया बकरी को बेचकर जाएगी और रात में अपना शिकार करने के लिए आएगी, तब हम तांत्रिक बाबा को बुलाकर उस चुड़ैल और भूतिया बकरी को खत्म कर देंगे। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, अब हमें ऐसा ही करना होगा, नहीं तो वो चुड़ैल अपनी भूतिया बकरी के साथ मिलकर हम सभी गाँव वालों को मार डालेगी। वो हमें मारे उससे पहले हमें उससे चालाकी करनी होगी और उसे पकड़ना होगा। अब क्या था, अगले दिन जैसे ही चुड़ैल अपनी बकरी को भोला के हाथों बेचने आती है, भोला उससे तुरंत उसकी बकरी खरीद लेता है और शाम को चुड़ैल अपनी भूतिया बकरी के साथ भोला को मारने के लिए वहाँ आ जाती है। मुझे पता था चुड़ैल रात होते ही तू यहाँ जरूर आएगी। तुझे क्या लगा, मुझे पता नहीं है कि तू एक चुड़ैल है और ये तेरी भूतिया बकरी। और मुझे ये भी पता है कि किस तरह से तुम दोनों बेकसूर इंसानों को बेवकूफ बनाकर उनका शिकार करती हो। कल जब तुम अपना शिकार कर रही थी तो मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया था और तुम्हारा प्लान भी सुन लिया था। अरे वाह भोला, तू तो बड़ा तेज निकला। मैंने तो तेरा नाम सुन के तुझे हल्के में ले लिया था, पर क्या फायदा, सब कुछ पता होने के बाद भी मैं और मेरी भूतिया बकरी तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मरना तो तुझे पड़ेगा। मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी चुड़ैल, क्योंकि मैंने तेरी मौत का सारा प्रबंध किया हुआ है। तू हम दोनों का कुछ नहीं बिगाड़ सकता बेवकूफ इंसान। मैं तुझे अभी मार कर खा जाऊंगी और अपना पेट भर लूंगी। इतना बोलकर चुड़ैल जैसे ही भोला को मारने के लिए आगे बढ़ती है, तभी वहाँ एक तांत्रिक बाबा आ जाता है। चुड़ैल बहुत मार लिया तूने मासूम लोगों को अपनी भूतिया बकरी के साथ मिलकर, पर अब तू इन लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, क्योंकि मैं तुझे अपनी इस बोतल में कैद कर लूंगा, जिसके बाद तू और तेरी ये भूतिया बकरी कभी आजाद नहीं हो पाओगी। बाबा तू ये सही नहीं कर रहा, मैं कह रही हूँ तुझसे तू मेरे रास्ते से हट जा, वरना मैं पहले तेरा शिकार करूँगी। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती दुष्ट चुड़ैल, अब तू मेरी इस शीशे की बोतल में कैद होने के लिए तैयार हो जा। इतना बोलकर बाबा उस चुड़ैल के ऊपर गंगा जल डालते हैं, जिसके बाद वो चुड़ैल और भूतिया बकरी दोनों धुआं बनकर बाबा की बोतल में कैद हो जाते हैं। जिसके बाद बाबा उस बोतल को एक समंदर में फेंक देते हैं और सभी गांव वाले फिर से पहले की तरह अपनी जिंदगी आराम से जीने लगते हैं।